हेलो वेलकम बैक, वेलकम टू इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म। हेलो गाइस, जैसे कि आपका टॉपिक लगातार चल रहा है, ये टॉपिक आप देख सकते हैं इस सीरीज में, मैं अब नेक्स्ट टॉपिक पीएमएमसी पे चलूंगा। लास्ट टाइम हमने एमीटर वोल्टमीटर के रिगार्डिंग डिस्कस करा था आपसे, तो आज हम देखेंगे पीएमएमसी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एमीटर से हमारी चीज़ें स्टार्ट हो जाती है, तो हम एमीटर के बारे में आपने देखा बेसिक फैक्ट्स, आज हम देखेंगे पीएमएमसी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के रिगार्डिंग भी। एसएससी के मेंस में जितनी बार पूछा गया है, मोस्टली टाइम पीएमएमसी को पूछा गया है। मैं आपको मेंस के भी पीडीएफ बहुत दिखाऊंगा, तो आपको देख लेना मेंस के पेपर। हालांकि प्रीवियस ईयर के मेंस के पेपर हमने दिखा रखा है 2016-17, आई होप देखा रखा है, तो आप वो पेपर देख लेना। चलिए हम बात करते हैं यहाँ से पीएमएमसी क्या होता है। देखिए, एक एक चीज को बहुत बारीकी से, आज की जो क्लास होगी वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसमें क्या क्या हम डिस्कस कर देंगे, सबसे पहले देखिए पीएमएमसी के बारे में, पीएमएमसी का वर्किंग, पीएमएमसी का एनिमेशन, उसके बाद डेवलप्ड टॉर्क, इसके क्या एडवांटेज होते हैं, क्या इसके ड्रॉबैक्स होते हैं। आज का लेक्चर का एक एक पॉइंट आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपका एक एक पॉइंट ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होते हैं, जो किसी भी एग्जाम में आते हैं, ना फॉर एसएससी जेई, ये आपका यूपीपीसीएल के में, आरएसईबी के अंदर, या बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के हैं, या सेंट्रल डीएमआरसी के अंदर, कहीं भी आप जाते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है पीएमएमसी। ठीक है ना, अकेले पीएमएमसी से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जिस तरीके से मैंने ड्रॉ कर रखा है, आपका टाइम बचाने के लिए हम हमेशा ड्रॉ कर लेते हैं चीजों को। यहां से क्या क्या देखना है, एनिमेशन दिखाऊंगा मैं आपको एक एक चीज को, क्योंकि ये 2D है, बोर्ड एक एक्स वाई डायरेक्शन में 2D होते हैं, हम 3D के अंदर पहले आपको दिखाएंगे, ये चीज ध्यान रहे। एक एक चीज को बारीकी से करना है, ध्यान रहे। एक चीज और, जो एनिमेशन होगा, एनिमेशन दो बार मैं दिखाऊंगा, उनकी रीजन ये है कि एक बार तो कंस्ट्रक्शन आपको दिखा दूंगा कि दिख कैसे रही है ना, और दूसरी बार उसकी वर्किंग एनिमेशन के थ्रू मैं बता दूंगा, है ना। तो ये चीजें हैं। चलिए पहले इंट्रोडक्शन करता हूं, पीएमएमसी है क्या। देखिए पीएमएमसी नाम ही है, इंस्ट्रूमेंट है पीएमएमसी टाइप इंस्ट्रूमेंट। पीएमएमसी टाइप इंस्ट्रूमेंट मतलब परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल। कई बार तो फुल फॉर्म पूछ देता है, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल। इट इज आल्सो नोन एज मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट। इसको मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट भी कई बार बोल दिया जाता है, ठीक है ना। तो मूविंग कॉइल भी ध्यान रखना, मूविंग आयरन नहीं, मूविंग कॉइल, क्लियर। तो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट भी बोला जाता है। इसका फुल फॉर्म मैंने यहां लिख दिया है, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, ठीक है। अब इसके क्या होते हैं, एमीटर भी बनते हैं, इसके वोल्टमीटर भी बनते हैं, लेकिन इसके वाटमीटर नहीं बनते हैं, क्लियर। तो यह चीज भी आपको ध्यान में रहे, हालांकि मैंने फर्स्ट टॉपिक में आपसे डिस्कस करा था। नाम से समझिए पहले कि एक चीज को कभी रटना ही नहीं पड़ेगा जिंदगी में, और इस तरीके से आपको मैं याद दिला दूंगा, पता करवा दूंगा कि आपको टाइम भी नहीं लगेगा इन चीजों को करने में। नाम से समझिए, नाम ही कह रहा है परमानेंट मैग्नेट, यानी ये जो इंस्ट्रूमेंट होगा उसमें मैग्नेट क्या होगा, परमानेंट, एंड मूविंग कॉइल मतलब कॉइल क्या कर रहा होगा, मूव, यानी दो सेगमेंट से मिलकर बना है। एक सेगमेंट ऐसा कि जहां पे मैग्नेट परमानेंट होगा, और दूसरा सेगमेंट ऐसा जहां पे उसका कॉइल मूव कर रहा होगा। यानी आप जो कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं, इसमें कहीं ऐसा चीज है जो मैग्नेट परमानेंट है, और कहीं ऐसा चीज है जो कॉइल मूव कर रहा होगा। चलिए पहले आपको यह चीज दिखाता हूं। मैंने शुरू दिन से पीएमएमसी को लाया था, मैं बोला था मार्केट ओपन होने दो, मैं और भी चीज एक एक चीज मशीन में मोटर ला के दिखाऊंगा, और मोटर के एक एक चीज दिखाऊंगा। हालांकि एनिमेशन से आप बहुत चीज समझ जाते हैं, लेकिन मैं फिजिकल चीज को लाऊंगा, ठीक है ना। तो इस चीज का आपको ध्यान रहे, ठीक है। आगे ऐप पे बहुत सारे क्लासेस आपको मिल जाएंगे इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म के ऐप पे, तो आप डिस्क्रिप्शन में देख लो, या फिर आप सर्च करोगे प्ले स्टोर पे, गूगल प्ले स्टोर पे, तो इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म ऐप पे आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है ना। चलिए हम चलते हैं अपनी चीजों पर। मैं ये बोल रहा हूं, ये हमारा पीएमएमसी टाइप इंस्ट्रूमेंट है, क्लियर। पीएमएमसी टाइप का इंस्ट्रूमेंट है। इस इंस्ट्रूमेंट में अगर मैं बात करूं तो ये देखिए क्या क्या चीज खासियत है, मैं शुरू से दिखा रहा हूं। अभी ये है इसका पॉइंटर, ये है इसका स्केल, उसके बाद समझिए वोल्टमीटर है हालांकि। उसके बाद अगर आप लोग देखते होंगे, शायद नहीं देख पा रहे हैं, देख रहे हैं अगर थोड़ा बहुत, हालांकि एनिमेशन से मैं दिखाऊंगा। ये देखिए किसी स्प्रिंग से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। इसके अंदर क्वाइल्स हैं जो मूव कर रहा है लगातार, ये देखिए इसके मूव करने से क्वाइल मूव करता है। ये देखिए अगर आप लोगों को दिख रहा हो तो आप लोग देख सकते हो, इसके मूव करने से क्वाइल भी नीचे मूव कर रहा है। इसका मतलब क्वाइल अगर मूव करेगा और क्वाइल को जिस पे रखूंगा वो उसको मूव कराएगा, उस पे स्पिंडल के साथ पॉइंटर को जोड़ दूंगा तो पॉइंटर भी मूव करेगा। तो चलिए हम बाकी चीजों को भी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, देख लेते हैं, तो चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। आई होप कि इतना आप लोग को दिख ही रहा है
कि देखिए इसके साथ कॉयल मूव कर रहा है ना। चलिए मैं इसके बारे में आगे भी डिस्कस करता हूँ। तो अब मैं अगर बात करूँ यहाँ पे, यहाँ इसकी डिस्कशन करूँ तो क्या क्या करना है। ये जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है यहाँ पे, इसका सेक्शनल व्यू, जो पीएमसी इंस्ट्रूमेंट है इसका सेक्शनल व्यू है। एक तो पीएमसी इंस्ट्रूमेंट को काट दिया हूं, ये देखिए किस तरीके से बनाया हूं, दो व्यू बनाया हूं, एक है टॉप व्यू, दूसरा है क्रॉस सेक्शनल व्यू। क्रॉस सेक्शनल व्यू किसको कहते हैं कि इसी इंस्ट्रूमेंट को, ये इंस्ट्रूमेंट है ना, इस इंस्ट्रूमेंट को मान लो मैंने काट दिया, ऐसे काट दिया तो ये ऐसे दिखेगा, ऊपर स्प्रिंग, नीचे स्प्रिंग, बीच में इसके मैग्नेट, ऊपर में पॉइंटर, यहाँ देखिए ज्वेल एंड बेयरिंग। तो इस तरीके से कट करके आपको एक दिखाया जाता है, इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल व्यू। और अगर आप ऊपर से देखते हो, दिस इज टॉप व्यू, देखिए ये इसका पॉइंटर है, ये इसका पॉइंटर है, ये इसका स्केल है, ये दिख रहा है आपको, ये गोलाकार है अंदर में, तो ये गोलाकार है ना, यहाँ पे ऊपर में इसका ऐसे अरेंजमेंट है, तो इस तरीके से हमने कर दिया है, क्लियर है। तो ये आपको समझना होगा। चलिए इन चीजों को समझने के लिए आप सबसे पहले क्या करिए, एनिमेशन के थ्रू जाइए। ओके गाइस, तो यहाँ से मैं देख रहा हूँ कंस्ट्रक्शन किस तरीके से होता है, फिर हम बोर्ड पे समझेंगे। ये देखिए ये दो पोल है, परमानेंट पोल है, ये कोर है, ये पूरा कोर है, और ये देखेंगे साइड की पत्ती, ये कॉयल है। और मैं इसको अच्छे से दिखा देता हूँ, ये देखिए ये जो कॉयल है ये, इस पर पॉइंटर है, ये स्पिंडल है, और इसमें लगे ये स्प्रिंग, ये देखिए गोल गोल दो ऊपर नीचे स्प्रिंग लगे हुए हैं ना। तो आप कंस्ट्रक्शन से यहाँ से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, ये दो वायर लगे हुए ना, एक ऊपर एक नीचे, तो एक स्प्रिंग से यहाँ अटैचमेंट होता है कि यहाँ से। तो कंस्ट्रक्शन अभी देखिए वर्किंग हम आपको बहुत अच्छे से दिखाएंगे। आई होप अगर कंस्ट्रक्शन आपने देख लिया तो हम आपको इसी पे वर्किंग दोबारा से कराएंगे, बोर्ड पे करने के बाद हम इसकी वर्किंग को यहाँ से अच्छे से कराएंगे, किस तरीके से ये वर्क करता है और कैसे करंट यहाँ तक आ रहा है। कंस्ट्रक्शन आपने अच्छे से देख लिया। ओके, आपके एनिमेशन देखने के बाद आई होप कि आपको विजुअलाइजेशन हो रहा होगा इंस्ट्रूमेंट के बारे में। यहाँ देखिए मैं जो भी करा रहा हूँ इसमें आपको लैब में जाने की जरूरत नहीं होगी, एक एक चीज़ आप बहुत अच्छे से सीख रहे होंगे। जिस तरीके से इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर, डिप्लोमा कॉलेज के अंदर आप जाके ये चीज़ को सीखते हो, ये वही चीज़ आपको मैं यहाँ पे प्रैक्टिकली तौर पे जो नहीं हो पाता है तो एक एक चीज़ को प्रैक्टिकली दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं सेक्शनल व्यू। यहाँ पे समझिए क्या हो रहा है, ये मैग्नेट था दोनों तरफ से, ये हमने मैग्नेट लगा रखा है, परमानेंट मैग्नेट इज दिस, ये स्टेबल होता है, ये हमेशा फिक्स होगा, दिस इज परमानेंट मैग्नेट एन टू एस। अब देखिए परमानेंट मैग्नेट को रख दूँ, चाहिए नहीं भी रहेगा तो क्या होगा, हमेशा N to X एक फ्लक्स जाएगा, N to S क्या हो जाएगा जी, फ्लक्स जाएगा, N to S क्या हो जाएगा, एक फ्लक्स जाएगा, क्लियर। यानी फ्लक्स का मूवमेंट होगा कहां, N से S की ओर। अब आगे देखिए यहां पे क्या क्या है इसके बारे में पहले डिटेल में बता दूं। यहां भी ये परमानेंट मैग्नेट है, उसके बाद ये देखिए इसके बीच आयरन कोर है, ये जो सेक्शन है बड़ा सा गोला सा सेक्शन, ये आयरन कोर है, उसके ऊपर हमने लगा रखा है एल्युमिनियम फॉर्मर। एल्युमिनियम फॉर्मर ये ब्लू कलर का रेड लाइन में है, इसको मैंने यहां से लिखा है एल्युमिनियम फॉर्मर। क्या यूजेज है एक एक चीज को डिस्कस करेंगे। इस एल्युमिनियम फॉर्मर के ऊपर ही होती है एक चक्ती होती है, इस पे वाइंडिंग, मान लो ये चक्ती एल्युमिनियम फॉर्मर का, इसी पे वाइंडिंग के लाइन हम क्या करते हैं बिछाते जाते हैं चारों तरफ से, ऐसे ही इस पे बिछाते जाते हैं। ये चक्ती होती है, चौड़ी पट्टी होती है एल्युमिनियम की, इस पे से वाइंडिंग चढ़ाते हैं, क्योंकि अगर इस पे एल्युमिनियम फॉर्मर ना डाला जाए तो इस लोहे पे ही, इस कोर पे ही वाइंडिंग हो जाएगा। इसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं, एक चक्ती रखते हैं चारों साइड से और उस पे हम क्या करते हैं वाइंडिंग करते हैं। चलिए आगे देखता हूं, हां आपने देख लिया, तो ये कॉइल है और इसके नीचे एल्युमिनियम फॉर्मर है और ये आयरन कोर है, ये आयरन कोर है, क्लियर। अब देखिए क्या करता हूं, अब इसके ऊपर क्या रखा रहता है, स्पिंडल, इसको बोलते हैं स्पिंडल। ये कोई मैं इक्विपमेंट नहीं है, ये मैं लिखने के लिए लिखा हूँ, ये स्पिंडल, यानी ये जो लाइन खड़ा है जिसके सहारे से, स्पिंडल के सहारे से हमारा क्या टिका रहता है, ये एल्युमिनियम फॉर्मर, उसी के ऊपर वाइंडिंग होता है। स्पिंडल से ही क्या जुड़े होते हैं, स्प्रिंग, स्प्रिंग दो लगे होते हैं ऊपर और नीचे, देखिए मैंने लिख दिया स्प्रिंग, क्लियर। स्प्रिंग क्वेश्चन पूछता है किस चीज का बना होता है जी, फॉस्फोरस ब्रॉन्ज का। स्प्रिंग किस चीज का बना होता है, फॉस्फोरस ब्रॉन्ज का। अगर आप बात करेंगे यहाँ पे और क्या क्या है, ये पॉइंटर, पॉइंटर हमेशा किससे अटैच होगा, स्पिंडल से, क्लियर। स्पिंडल, अब स्पिंडल किससे अटैच होता है, जब कोई चीज खड़ा हो ऐसे तो अब वो मूव करेगा, क्योंकि इसी से पॉइंटर लगा है, और ये मूव कैसे करेगा, तब जब तक ये स्पिंडल मूव करेगा तभी ये मूव करेगा। इसका मतलब स्पिंडल मूव करने के लिए क्या चाहिए, इसको ज्वेल एंड बेयरिंग चाहिए, बॉल एंड बेयरिंग दोगे तभी तो ये घूम पाएगा, या फिर कहीं फिक्स कर दोगे तो रुक जाएगा। तो बॉल एंड बेयरिंग का अरेंजमेंट करते हैं, दिस इज नोन एज ज्वेल एंड बेयरिंग, इसको बोलते हैं क्या, ज्वेल एंड बेयरिंग, जिस पे ये आसानी से घूम सके।
क्लियर। तो आई होप हम ये है हमारा स्केल। स्केल देखिए कैसा है, यूनिफॉर्म स्केल, समान गैप है, पहले भी डिस्कस कर चुका हूं मैं, आई होप पहले की वीडियो आप देख के आ रहे होंगे। तो समान स्केल है, अगर मैंने एमीटर दिया तो ए लिखा रहेगा, वोल्टमीटर होता तो वी होगा। क्लियर। अब यहां पे ये स्केल है हमारा। अब एक एक चीज को देखिए, ये हमारा क्या हो गया, ओवरव्यू है जिसको आपने एनिमेशन के थ्रू देखा। टॉप व्यू की बात करें तो ऊपर से कैसे दिखता होगा, ऊपर से स्केल दिखता था, ठीक है, ये पॉइंटर है, ये स्प्रिंग है और ये आपका ये एल्युमिनियम फॉर्मर है, ये फॉर्मियम फॉर्मर है, उसके अंदर कॉपर की वाइंडिंग होती है। ये जो क्वाइल है, ये क्वाइल है किसकी बनी होगी जी, कॉपर की। क्वाइल किसकी बनी होगी, कॉपर की, ठीक है। और ये हमारा जो कोर है, ये कौन है, कोर है, ये क्या है, आयरन कोर। क्यों डाला जाता है भाई इतना मोटा आयरन कोर, उसके भी हम एक एक चीज आपसे डिस्कस करेंगे, चूंकि एक एक चीज को हम यहाँ पे चलिए डिस्कस करेंगे। एमीटर और वोल्टमीटर पीएमएमसी से बनता है। पीएमएमसी वो इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंदर परमानेंट मैग्नेट होते हैं और कॉइल मूव करता है, हम अभी वर्किंग पूरा देखेंगे इसके अंदर। लेकिन पहले चीजों को समझिएगा, अगर ये मेरा 5 वोल्ट का सोर्स है, एक बल्ब लगा है, अगर इसको डिस्कनेक्ट कर दिया तो कोई बल्ब नहीं ग्लो करेगा, लेकिन इसको मैं अगर स्विच से कनेक्ट कर दूं तो ये क्या करेगा, ये क्या करेगा जी, करंट फ्लो करेगा, बल्ब ग्लो करेगा। अगर किसी ने पूछा होता कि भाई ये बता दो इस लोड का कितना रेजिस्टेंस है बल्ब का, मुझे नहीं पता कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो अपन कहेंगे 5 वोल्ट का सोर्स है और रेजिस्टेंस नहीं पता तो करंट नहीं बता सकते। क्लियर। एक तो ये बोलेंगे, फिर मैं बोल सकता हूँ कि हाँ मैं बता सकता हूँ, लेकिन कैसे, अगर मेरे पास इंस्ट्रूमेंट हो एमीटर, एमीटर चूंकि करंट को मापता है, क्लियर, तो हम कहेंगे एमीटर अगर मेरे पास हो तो मैं क्या कर सकता हूँ, करंट को माप सकता हूँ। कोई बोलेगा कि ये वोल्टेज बता दीजिए, तो वोल्टेज तो 5 वोल्ट है, पैरेलल में वोल्टेज तो अभी दोनों यहां वोल्टेज उतना ही होगा जितना यहां पे, क्लियर, यहां का वोल्टेज उतना ही, तो वोल्टेज अपन तुरंत बता देंगे, लेकिन करंट नहीं बता पाएंगे। तो करंट नहीं बता पाएंगे तो भैया करंट कैसे बताएंगे, तो कोई बोला कि सर करंट तो आप तब बता सकते हो जब यहां पे एमीटर लगा दो, यहां पे क्या करेंगे, एमीटर लगा दो, तो जितना भी करंट जाएगा ये डिफ्लेक्शन होगा और ये बता देगा कि कितना एंपियर करंट है, यही होगा। इसका मतलब है कि अगर करंट को मेजर करना है तो एमीटर को इसके बीच में लगाइए, क्लियर ना, और इसको सीरीज में लगाइए ताकि इससे कितना करंट गुजर रहा है पता चले, ठीक है। अगर ये इस करंट से गुजरेगा तो अब बताइए एक चीज, एमीटर अफेक्टेड तो नहीं करना चाहिए सिस्टम को, यानी करंट जितना पहले जाना था बाद में उतना ही जाना चाहिए, इसीलिए एमीटर का प्रतिरोध भी क्या होता है, नेगलिजिबल। एमीटर का प्रतिरोध नेगलिजिबल, आइडियल कंडीशन, आइडियल एमीटर के लिए 0, ये सब हमने पहले डिस्कस करा था आपसे, इसीलिए एमीटर वोल्टमीटर पहले लिखवा दिया था। तो सीरीज के कंडीशन में अब समझिए कि ठीक है, एमीटर को हमने यहां पर लगाया, अगर कोई यहां से ये बोल दे कि इस एमीटर को यहां, तो मेरे पास एमीटर मैंने छोटा में यहां पे लगा दिया, अगर ये मेरे पास एमीटर होता तो मैं यहां इसको जोड़ देता, अगर ये एमीटर होता तो ये, हालांकि अभी वोल्टमीटर है, अगर एमीटर होता ऐसा ही होता तो यहां जोड़ देता दो तार से, यहां दो तार है देखिए इसी पिन, तो वहां जोड़ देता। चलिए अगर कोई बोलेगा यही एमीटर है आपका तो बताइए करंट कैसे मापेंगे, तो हम कहेंगे यहां पर कि जब भी इसके करंट को मापना है तो इसके दो तार को जोड़िए। तो ध्यान रहे इस एमीटर में कैसे जोड़ते हैं, ये इसका जो दो तार, एक तार ये आ रहा है उसको हम जोड़ते हैं इसके स्प्रिंग के एक सिरे से, और हालांकि वायर स्प्रिंग का पहले निकाला गया होता है, और इसका दूसरा सिरा जुड़ेगा स्प्रिंग के दूसरे सिरे से, क्लियर। अगर ये कनेक्शंस हो जाए तो यहां से कितना करंट गुजर रहा है ये इंस्ट्रूमेंट से होके गुजरेगा, और ये इंस्ट्रूमेंट डिफ्लेक्शन करके बता देगा कि मेरे अंदर से कितना करंट गुजर रहा है, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलिए मैं आपको इसके बारे में इंट्रोड्यूस करता हूं एक बार बढ़िया से। चलिए अब इसके वर्किंग को देखते हैं। अब मैं नेक्स्ट इसके टॉपिक को देखता हूं, वर्किंग ऑफ पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट, क्लियर। अब इसके वर्किंग को देखते हैं। देखिए वर्किंग इसमें यह कैसा होता है कि आप इसको जब कनेक्ट करते हो, ध्यान रहे, जब इसको कनेक्ट करते हो कहीं किसी लोड से, इसका मतलब क्या कि आप उसको सप्लाई दे रहे हो, इसको तो यही समझ में आएगा ना, इसको तो ये समझ में आएगा कि मुझे कहीं ना कहीं सप्लाई मिल रहा है। अपन इसको मापने के लिए जोड़ रहे हैं, यहाँ दो तार अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ से दो तार अभी हमने जोड़ा था, क्यों जोड़ा था, क्योंकि मेजर करके लिए। लेकिन ये इंस्ट्रूमेंट सोचेगा कि हमको करंट दिया जा रहा है, हमको क्या दिया जा रहा है, करंट दिया जा रहा है। इसका मतलब अगर इससे होकर करंट गुजरेगा तो ये कैसा बिहेव करेगा, जब हम अरेंजमेंट ऐसा रखते हैं तो ये भी मोटर एक्ट करता है। कैसा एक्ट करता है, मोटर। सोचिए आपके घर में मोटर किस रन जो करता
पड़ता है। उसके लिए क्या होता है, पहले करंट देना पड़ता है उसको। इसका मतलब है अगर इसमें करंट दिया जाए, चाहे वो मापने के ही तौर पे हम दे रहे हैं, अपन तो सोच रहे हैं अपन माप रहे हैं, लेकिन ये क्या सोच रहा है हमको कोई करंट दे रहा है, तो ये क्या करता है, मूव करता है। अब मूव किस आधार पे करता है, लगता है यहाँ पे फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल। मैंने आपको पहले बताया था मोटर में फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल लगते हैं और जनरेटर में फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल लगते हैं। मोटर, अब याद भी रखने का मैंने तरीका बताया था, अगर जनरेटर है तो उसको राइट हैंड से घुमाएंगे, तो जनरेटर में अगर राइट हैंड रूल लगता है तो मोटर में हमेशा लेफ्ट हैंड रूल लगेगा। चलिए बात करते हैं कैसे होता है। अब समझिए, इस क्वाइल में क्या देते हैं अपन, करंट, क्योंकि यहां से कनेक्ट होगा जैसे ही, ये देखिए मैं कनेक्ट भी कर देता हूं, यहां एक कनेक्शन आएगा और दूसरा कनेक्शन यहां आएगा। जैसे ही कनेक्ट हो जाएगा इसमें क्या गुजरेगा जी, करंट, क्या गुजरेगा, करंट, ध्यान रहे करंट और गुजरेगा, और यहां से ऑलरेडी फ्लक्स गुजर रहा है, तो एक डायरेक्शन है फ्लक्स का, दूसरा डायरेक्शन है करंट का, तो ऑब्वियसली थर्ड डायरेक्शन जो होगा वो डेवलप्ड टॉर्क का होता है, मोशन का होता है। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल कहता है कि अगर तीनों पे एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, देखिए ये हमारा करंट, ठीक है, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड, तो ये हमेशा मोशन और टॉर्क के डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। चलिए लगाते हैं फ्लेमिंग के लॉ को और किस तरीके से ये काम करता है, समझिए। जैसे ही आपने मापने के लिए इसको दिया तो करंट इससे गुजरने लगा। मैं माना कि करंट का डायरेक्शन इस क्वाइल पर ये है, करंट का डायरेक्शन क्या है, ये ऊपर की ओर, ठीक है, करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है और फ्लक्स का डायरेक्शन ये है। तो चलिए ये फ्लक्स का डायरेक्शन होता है, मैंने लॉ अच्छे से करा रखा, एक भी वीडियो आपको स्किप नहीं करना है, मैं यकीन के साथ कहता हूं जो मैं करा रहा हूं अगर सीख लेंगे तो मेजरमेंट कभी जिंदगी में आपको दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा, चाहे गेट की पढ़िए, जेई की पढ़िए, एई की पढ़िए, किसी भी लेवल का एग्जाम का पढ़िए, ठीक है, थ्योरी में आप कभी किसी से फेल ओवर नहीं हो सकते, गेट के लिए आपको ज्यादा न्यूमेरिकल करना पड़ सकता है, थ्योरी में आप किसी से पिछड़ नहीं सकते। चलिए यहां पे बात करता हूं मैं, हमने क्या किया, करंट का डायरेक्शन ये, फ्लक्स का डायरेक्शन का ये, इसका मतलब इस कंडक्टर पे धक्का किधर की ओर लग रहा होगा, धक्का लग रहा होगा उधर की ओर, यानी इसको टॉर्क डेवलप हो रहा होगा उधर की ओर, क्लियर है, आई होप आपको पता चल गया होगा। देखिए फ्लक्स का डायरेक्शन ये, करंट का डायरेक्शन ये, क्या ये, तो इसमें धक्का किधर लगेगा, जैसे ही स्विच अपने कनेक्ट इसको करोगे तो इसमें जैसे ही करंट जाएगा ये धकेलेगा उधर की ओर, कैसे धकेलेगा, उधर की ओर, यानी ये कंडक्टर क्या करेगा, एक एक्सपीरियंस, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा किधर, उधर की ओर जाने के लिए, क्लियर, ये कंडक्टर एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उधर की ओर जाने के लिए, तो ये अगर घूमेगा तो इससे जुड़ा है स्पिंडल, स्पिंडल भी घूमेगा तो ये बेचारा स्पिंडल से जुड़ा है पॉइंटर, पॉइंटर भी क्या करेगा, घूमेगा और आपकी रीडिंग होगा। अब कोई कहेगा कि सर इधर तो लग गया, इधर लगा के देखिए, इधर फ्लेमिंग का लॉ लगता है क्या, तो अगर वो वाइंडिंग हमारा उधर की ओर धकेला जा रहा है उधर, तो ये इधर आना चाहिए, इधर लगता है क्या, लगा के देखिए। चलिए फ्लक्स का डायरेक्शन ये, उसके बाद करंट, यहां पे करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा जी, यहां पे करंट का, क्योंकि इधर से करंट अगर गया है तो हमेशा करंट का डायरेक्शन यही होगा, ध्यान रहे। अभी यहां पे सप्लाई क्या है जी, डीसी, 5 वोल्ट बैटरी लगा रखा हूं, डीसी की बात कर रहा हूं, एसी पे क्यों नहीं काम करता ये भी डिस्कस करेंगे, ठीक है, आपको हालांकि बहुत जल्द पीडीएफ अवेलेबल करा दूंगा, जितना मैं करा रहा हूं सबके पीडीएफ मिलेंगे अप टू फाइनल, जो 16-18 टॉपिक जो भी करवाया सबके मिलेंगे। चलिए यहां पे बात कीजिए, करंट यहां पे गया, इस करंट का डायरेक्शन ये, फ्लक्स का डायरेक्शन ये, तो देखिए टॉर्क किधर की ओर जा रहा है, देखिए ऊपर की ओर, यानी ऑब्वियसली यहां पे टॉर्क कैसा हो आ रहा है, आगे की ओर, तो ऑब्वियसली जब ये मूव करेगा तो ये पीछे धकेले जाएगा और ये आगे की ओर होगा, तो एक डाउनवर्ड दूसरा अपवर्ड, इस कंडीशन में हमारा पॉइंटर मूव करेगा, क्लियर, और मूव करेगा तो ये दे देगा आपको रीडिंग, अगर रीडिंग दे दिया तो यही तो हमारा टारगेट था, क्लियर। तो आई होप आपने अच्छे से देखा होगा कि कैसे पीएमएमसी काम करता है और किस तरीके से हो रहा है। अब चीजों को समझेंगे, कहता है एग्जाम में बड़ा पूछा जाता है एल्युमिनियम फॉर्मर क्यों यूज करते हैं, ठीक है ना, एल्युमिनियम फॉर्मर क्यों यूज करते हैं, यहां पर और भी चीज है, इसका तो कोई काम आपको नहीं दिखा, आयरन कोर का ये क्यों यूज किए हुए हैं ये भी आपको देखना पड़ेगा, और बाकी स्प्रिंग क्या काम कर रहा था ये भी चीज आपको देखना पड़ेगा। समझिए
अगर यहां पर मैं स्प्रिंग यूज ना करूं तो थोड़ा भी करंट दूंगा ये पॉइंटर बहुत आगे खींच जाएगा, इसको कोई रोकने वाला होना चाहिए। करंट का मैग्नीट्यूड जितना होता है उसी के रफ्तार में ये टाइट होता है, स्प्रिंग टाइट होता जाता है, ठीक है ना। अब अगर ये यहां पे है स्प्रिंग, मान लो ऐसे है, अगर हमने करंट दिया तो ये आगे मुड़ के आगे की ओर जा रहा है क्योंकि पॉइंटर इधर की ओर आ रहा है, लेकिन जैसे ही करंट कम होगा तो ये भी पीछे की ओर धकेलेगा इसको क्योंकि नहीं पीछे चलो, और करंट जीरो कर दूं तो ये पॉइंटर यहां आने के लिए लगेगा, यहां कहां आएगा वो ये पॉइंटर जीरो पे आ जाएगा, क्यों, क्योंकि ये इसको धकेल के पीछे कर देगा। ये स्प्रिंग बेचारा टाइट होकर आगे तक इसलिए आ जाता है क्योंकि करंट जब दे रहा है तो डेवलप टॉर्क इसको पीछे धकेल रहा है, तो बेचारा स्प्रिंग क्या कर रहा है, अपने आप को दब के भी इसको आगे बढ़ने दे रहा है। लेकिन जैसे हम करंट जीरो कर देंगे, यहां डिस्कनेक्ट कर देंगे तो करंट जीरो, तो अब क्या हुआ, ये स्प्रिंग इसको धकेल के पुनः किस पोजिशन पर कर देगा, जीरो पोजिशन पर कर देगा, ठीक है ना। तो कंट्रोलिंग टॉर्क कंट्रोल करने का काम करता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि बताइए अगर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, अब समझिए हमने तीन टॉर्क बताए थे आपको क्लास में शुरू दिन, पहला ही क्लास था मेरा, तीन टॉपिक है ना, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, कंट्रोलिंग टॉर्क एंड डैम्पिंग टॉर्क। समझिएगा यहां पे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, जैसे ही आपने करंट यहां जोड़ा, करंट क्या किया सप्लाई जोड़ा, तैसे ही तुरंत क्या हुआ, डिफ्लेक्शन हो गया, पॉइंटर में क्या आया जी, डिफ्लेक्शन। जब पॉइंटर में डिफ्लेक्शन आया तो पॉइंटर जिस तरह से डिफ्लेक्ट हो रहा, स्प्रिंग भी पहले स्वतंत्र रूप से बैठा हुआ था, लेकिन जब पॉइंटर डिफ्लेक्ट कर रहा स्प्रिंग भी ज्यादा टाइट होने लगा, तो जब स्प्रिंग टाइट हो रहा है तो उसमें टॉर्क बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा, क्लियर, आपको पता होना चाहिए। जब स्प्रिंग को आप टाइट करोगे तो उसमें एनर्जी स्टोर हो जाता है, वो चाहता कि फैले, क्लियर। तो ऐसे कंडीशन के लिए मैं क्या करता हूं, यहां पे जो होता है स्प्रिंग में, जैसे जैसे आपको क्वेश्चन पूछता है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क अगर बढ़ता है तो इसका मतलब कौन टॉर्क और बढ़ता है जी, कंट्रोलिंग टॉर्क भी बढ़ता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब भी गुप्ता वगैरह में दिया रहता है और एग्जाम में भी आपको बहुत ज्यादा आते हैं। चलिए तो ये चीजें सब ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और चीज मैं बताता हूं आप यहां से कि इसका काम क्या था, ये चीज क्लियर। अब है इस आयरन को क्यों रखा गया, एल्युमिनियम को क्यों रखा गया, हमने बोला था जब दो टॉर्क आपस में बराबर होता है, ये पॉइंटर कहीं पे जाकर रुका होगा ना, मान लो ये करंट, किसी ने बोला कि ठीक है 1.5 एम्पियर है, कितना है करंट 1.5 एम्पियर, इसका मतलब ये 1.5 एम्पियर पे जाकर रुका होगा, क्लियर, 1.5 पे रुका होगा, तो उसको जब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जा रहा था आगे, वो दो पे भी जा सकता था, तो उसको रोका कौन, कंट्रोलिंग टॉर्क। कंट्रोलिंग टॉर्क किसके द्वारा प्रोड्यूस हुआ, स्प्रिंग के द्वारा। अगर स्प्रिंग के द्वारा प्रोड्यूस हुआ तो स्प्रिंग और कंट्रोलिंग टॉर्क आपस में इक्विलिब्रियम में आ गए, वहीं तो रुका, दोनों बराबर हो गए तभी वहां पे रुका। करंट का मैग्नीट्यूड और ज्यादा होता तो करंट और धकेलता इसको, क्लियर। तो यहां पे ये चीजें होती है। अब मैं कुछ और चीजों का बात कर लूं यहां पे, यहां पे कुछ चीजों का और मैं बात करूं, क्या चीज का, मैंने बोला कि तीन टाइप का टॉर्क होता है, डैम्पिंग टॉर्क भी होते हैं। जब दो टॉर्क क्या होता है, पहले समझिए, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और कंट्रोलिंग टॉर्क, जब दो टॉर्क आपस में बराबर हो जाते हैं एकदम बराबर, तो ये क्या करता है, एक जगह ओसिलेशन प्रोड्यूस करने लगता है, यानी पॉइंटर क्या करेगा, अब यहां 1.5 के आसपास ये ओसिलेशन उत्पन्न करेगा। तो हमको ओसिलेशन किसी इंस्ट्रूमेंट में अच्छा चीज नहीं लगता, मान लो अगर ये ओसिलेट करेगा तो अपन किधर देखेंगे, ये इसको मापेगी, इसको मापेगी, इसको मापे, किसको माने, ये हमारे लिए बड़ा ड्रॉबैक होगा। तो मैं चाहता हूं कि पॉइंटर क्या हो, सेटल डाउन हो। अब उसको कौन सेटल डाउन करेगा, इसीलिए मैंने बोला था एल्युमिनियम फॉर्मर, यहां पे यूज किया था एल्युमिनियम फॉर्मर। ये ब्लू कलर का एक ही लाइन है, एल्युमिनियम फॉर्मर पे हमारा क्या होता है, वाइंडिंग चिपका होता है, वाइंडिंग लगा होता है, और ये लोहा और एल्युमिनियम के बीच गैप होता है। ध्यान दे, लोहा इस आयरन कोर और एल्युमिनियम फॉर्मर के बीच गैप होता है, क्लियर। लेकिन एल्युमिनियम फॉर्मर पे लगा होता है कौन, वाइंडिंग। एल्युमिनियम फॉर्मर पे क्या लगाता है, इस पे एक्युमुलेशन प्रोवाइड करता है कौन, एल्युमिनियम फॉर्मर एक्युमुलेशन प्रोवाइड करता है किसके लिए जी, वाइंडिंग के लिए, क्लियर। तो उस पे रहता है, तो ये कभी इससे चिपका नहीं होता है, लोहा कभी भी एल्युमिनियम फॉर्मर से नहीं चिपका होता, ये ध्यान रहे। ये लोहा हमेशा बैठा रहता है, लोहा क्या करता है, बैठा रहता है। तो घूमता क्या क्या है, ध्यान रहे, ये जो घूमते का मैकेनिज्म होता है, एल्युमिनियम भी घूमता है, वाइंडिंग भी घूमता, ये लोहा नहीं घूमता। इसीलिए टॉर्क बाय वेट रेशियो भी पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट का हाई होता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे आगे। चलिए पहले हम चीजों को सीख लेते हैं, क्या क्या चीज सीखना है आप समझिए। तो हमने बोला कि ये जो दोनों बराबर हो गए तो ये क्या करेगा, ओसिलेट करेगा। अगर ये ओसिलेट करेगा, इसीलिए हम रखते हैं इस पे एल्युमिनियम फॉर्मर। एल्युमिनियम फॉर्मर क्या काम करता है समझिए, अगर ये वाइंडिंग वहां जाके अगर कंपनसेट करने लगा है, कंपनसेट करने लगा, तो वाइंडिंग किस पे है, एल्युमिनियम पे। वाइंडिंग किस पे है, एल्युमिनियम पे। एल्युमिनियम पे है तो एल्युमिनियम भी कट कर रहा होगा। अब सोचिए एल्युमिनियम
अब तक तो कोई काम नहीं कर रहा था, हमारा कंडक्टर ही एक्सपीरियंस किया तो टॉर्क उधर गया, अब क्या हो गया, एल्यूमिनियम जो बैठा हुआ है वो भी कट कर रहा है, किसको जी, इस लाइन ऑफ फ्लक्स को, इस लाइन ऑफ फ्लक्स को कट कर रहा है एल्यूमिनियम भी ऐसे, वो देखिए एल्यूमिनियम ऐसे लाइनिंग में है और फ्लक्स ऐसे है, तो वो भी क्या कर रहा है, कट कर रहा है। अगर कट कर रहा है तो वो एल्यूमिनियम फॉर्मर चारों तरफ से क्या होते हैं, क्लोज, एल्यूमिनियम फॉर्मर चारों तरफ से क्या है जी, ब्लू कलर का, ये क्लोज। अगर वो क्लोज है तो एक क्लोज कंडक्टर किसी फ्लक्स को कट करेगा तो क्या होगा, सबसे पहले डेवलप इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, अगर वो क्लोज है तो उसमें उत्पन्न होगा एडी करंट, उसमें स्मॉल अमाउंट का करंट उत्पन्न होता है एडी करंट, बहुत छोटा अमाउंट का, जैसे ट्रांसफार्मर के कोर पे क्या होता है, ट्रांसफार्मर के कोर पे जैसे फ्लक्स सर्कुलेट करता है चारों तरफ से, तो चूंकि जिस मीडियम से, जिस माध्यम से यानी कोर से फ्लक्स चारों तरफ से सर्कुलेट कर रहा है, तो उस वाइंडिंग पे भी, सॉरी उस कोर पे भी स्मॉल अमाउंट का करंट डेवलप हो जाता है, दैट इज नॉन एज एडी करंट। तो उस करंट की मात्रा ना बढ़ जाए तो उस कोर को ही कई सेक्शन में बांट देते हैं, काट देते हैं, ताकि करंट मेजर ना हो पाए और हीट ज़्यादा प्रोड्यूस ना करे। क्लियर, चलिए उसी तरीके से होता है, यहाँ एल्यूमिनियम तो बहुत पतला है, तो अब इसमें डेवलप होता है एडी करंट और लेंज ला कहता है, जिसके कारण जो प्रोड्यूस होता है वो उसी का विरोध करता है, जो जिसके कारण प्रोड्यूस होता है वो उसी का विरोध करता है। इसका मतलब अगर इस फील्ड को एल्यूमिनियम कट कर रहा है, इस फील्ड को एल्यूमिनियम कट कर रहा है और उसमें करंट उत्पन्न हो रहा है, तो करंट चाहेगा कि नहीं हम उत्पन्न ना हो, क्या चाहेगा, हम उत्पन्न ना हो, तो वो अपने करंट को जीरो करने के लिए, अपने करंट को जीरो करने के लिए वो किसका विरोध करेगा, जहां पे वाइब्रेशन उत्पन्न हो रहा है किसी पॉइंट पे जाके, मान लो इतना दूरी पे रुक गया, इतना दूरी एंगल पे मान लीजिए ये क्या किया, मूव कर गया, अब वहां भी ओसिलेट कर रहा है, तो पॉइंटर भी बेचारा मूव ओसिलेट कर रहा है, तो ओसिलेशन को कौन रोकेगा, हमारा एल्यूमिनियम फॉर्मर, एल्यूमिनियम फॉर्मर करेगा कि नहीं हम करंट जीरो करेंगे, तो जीरो करंट करने के लिए इसका ओसिलेशन बेचारा यहां पे क्या हुआ, जीरो, और थीटा एंगल पे अगर मूव किया हुआ है तो थीटा एंगल पे ही ये रुक जाएगा, अगर ये रुक जाएगा, इससे स्पिंडल जुड़ा हुआ है, इससे पॉइंटर जुड़ा हुआ है, पॉइंटर बेचारा 1.5 एम्पियर पे जाके रुक जाएगा, क्योंकि यहां से करंट 1.5 एम्पियर जा रहा था। क्लियर, तो इस तरीके से ये चीज होती हैं। और तो इसके बाद मैं आपको एनिमेशन दिखाऊंगा और चीजें एकदम बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, कहीं से भी रहने वाली बात ही नहीं बचेगी। तो अब बचा आयरन कोर, आयरन कोर का काम क्या है, देखिए अगर दो चुंबक है और इसके बीच एयर रख दिया जाए, एयर, तो ये एन पोल और एस पोल जो है ना, एन पोल और एस पोल जो है ये क्या होगा, कमजोर होगा, अगर हवा में जाए तो फ्लक्स क्या होगा इसका, कमजोर, क्यों, क्योंकि हवा का रिलक्टेंस मशीन में बहुत अच्छे से करा हूं ज्यादा होता है। लेकिन इसी के बीच अगर किसी ने लोहा रख दिया, आयरन रख दिया, और अब कोई एस पोल बोले और अब कोई यहां पे एन पोल बोले, तो अब इसको गुजरने में आसानी होगी, क्यों, क्योंकि रास्ता में लोहा मिल रहा है और लोहा किसी मैग्नेट के लिए एक अच्छा मीडियम होता है, ठीक है, लोहा किसी मैग्नेट के लिए एक अच्छा मीडियम होता है, यानी इसके लिए एक रास्ता प्रोवाइड कर रहा है, ये रास्ता प्रोवाइड कर रहा है, इससे क्या होगा, रिलक्टेंस कम होगा, तो बेचारा फ्लक्स क्या होगा, ज़्यादा। आपको एनालॉगी बहुत अच्छे से जाना चाहिए, मैग्नेटिक सर्किट में किसी को दिक्कत होता हो तो मेरा मशीन के अंदर शुरुआत में यूट्यूब में यूँ ही आपको डाले हुए हैं 5-6 लेक्चर, मैग्नेट जरूर देख लेना, आपका सर्किट बहुत अच्छा हो जाएगा, मशीन बहुत अच्छा हो जाएगा, और ये सब चीज़ तो आप देख ही रहे हो, ठीक है ना। चलिए तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, तो यहां पे ये चीजें आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। अब इसीलिए फ्लक्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, यानी फील्ड को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हम इसके अंदर क्या करते हैं, लोहे का इस्तेमाल, कोर का इस्तेमाल करते हैं, दैट इज कॉल्ड आयरन कोर, ये मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग करता है। क्लियर है, मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग करता है। आज गर्मी भी बहुत ज्यादा है, गर्मी अब तो बढ़ गई। चलिए तो इस तरीके से है, यहां तक हमने सीख गया, तो ये कोर है, ध्यान रहे ये कभी कोर मूव नहीं करता, इसमें कोई मोशन नहीं होता, स्पिंडल के थ्रू एल्यूमिनियम फॉर्मर ही घूमता है और उस पे रखे वाइंडिंग घूमते हैं, कभी भी ये कोर नहीं घूमता, ये बेचारा स्थिर होता है, इसीलिए इस मशीन का टॉर्क बाय वेट रेशियो ज्यादा होता है, कि जो भी टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है वो इसी क्या कह सकते, एल्यूमिनियम फॉर्मर वाइंडिंग को घुराने में ही, उसको घुमाने में उसको एनर्जी उतना ही देना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये चीजें आपको क्लियर हो, तो इस तरीके से अगर आप देखोगे यहाँ पे,
तो यहाँ पे कई बार एग्जाम में पूछता है कि एक स्प्रिंग टूट जाए तो कैसे काम करेगा, तो ये रन ही नहीं करेगा एक स्प्रिंग टूट जाए तो, है ना, ये कनेक्शन ही नहीं जाएगा तो ये कैसे टॉर्क डेवलप करेगा, नहीं डेवलप करेगा, है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन हमको आपको पता है हर सेट के अंदर एक एक टॉपिक जैसे कंप्लीट होता जाएगा, जैसे कम से कम एडी कर लेंगे ना, एडी टाइप इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रोडायनोमीटर टाइप, क्योंकि ऐसा ही होता है इलेक्ट्रोडायनोमीटर टाइप जो होते हैं, बस परमानेंट मैग्नेट को हटा देना, वाइंडिंग करेंगे अरेंजमेंट और आपके कंप्लीट हो जाएगा एडी टाइप। तो हम उसको देखेंगे आप बहुत बढ़िया से, आपको लगेगा ही नहीं कि मैंने आपने एफर्ट्स लगाए इतने बढ़िया से इंस्ट्रूमेंट को पढ़ने में, बिल्कुल एफर्ट्स नहीं लगेगा और पूरा इंस्ट्रूमेंटेशन आपका क्लियर हो जाएगा। हर चैप्टर मैंने बोला कि चैप्टर खत्म होते ही आपको 50-100 क्वेश्चन हर चैप्टर से लगाए जाएंगे, पीएमएमसी चूंकि इंपॉर्टेंट है तो 100-100 क्वेश्चन यहाँ से लगाएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं यहाँ पे, अब आई होप कि टॉप व्यू भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम एक बार इसके एनिमेशन को देखते हैं कि ये कैसे वर्क कर रहा है, एनिमेशन से पूरा चीजों को क्लियर कर लीजिए। एनिमेशन अगर आप बहुत अच्छे से देख लेंगे तो फिर इससे रिलेटेड कुछ चीजों को देखेंगे हम और आगे कि किस तरीके से ये टॉर्क डेवलप करता है और आगे कुछ भी होते हैं। ध्यान दें, आपको चीजें अच्छे लगे तो कमेंट करके जरूर जाना। हेलो गाइस, तो यहाँ आप देख सकते हो ये स्प्रिंग किस तरीके से स्पिंडल से अटैच होता है और इस तरीके से इसके कनेक्शन बाहर निकाल लिए जाते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्शनली आप देख लें, स्प्रिंग एक यहाँ, स्पिंडल ये रहा, ये एल्युमिनियम फॉर्मर है, उसके ऊपर देखिए कॉपर की वाइंडिंग की गई है और इसके अंदर देखिए कोर है, ये कोर है, ठीक है ना। यहाँ जो है ये ऊपर में है, लेकिन ये ऊपर में है तो पॉइंटर को लिया हुआ कनेक्ट, लेकिन अंदर में इसके मैकेनिज्म है। ये देखिए, अगर आप देखना चाहेंगे यहाँ पे देखिए करंट इसके थ्रू आ रहे हैं, करंट यहाँ स्प्रिंग के थ्रू आ रहे हैं, यहाँ भी स्प्रिंग के थ्रू आ रहे हैं, फ्लक्स ये जा रहा है इधर और इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। देखिए इस कॉइल में करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ये करंट का कॉइल कहाँ से आ रहा है, एक ऊपर से और दूसरे नीचे वायर से, तो स्प्रिंग के थ्रू करंट जाते हैं इसके वाइंडिंग में। तो कंस्ट्रक्शनली आप बहुत अच्छे से देख पा रहे होंगे, देखिए विजुअलाइजेशन से आपको पता चल रहा होगा करंट किस तरीके से, ये पोल है, शेप है जिसको हमने कट कर दिया था, बीच से आपको दिख रहा था। ये देखिए एक एक चीज़ को, ये कॉइल है, ये स्प्रिंग है, ठीक है ना। आप देखिए इससे वो ये अटैच पॉइंटर है, ये पॉइंटर है हमारा, तो कंस्ट्रक्शन में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली। देख सकते हैं आप इस कंडक्टर में करंट जाएगा और ये फील्ड का डायरेक्शन है और ये कोर है आपके, ये पार्किंग, इसको मैं आपको दिखाता हूँ। ओके गाइस, तो अब यहाँ पे इसका देखिए एक्चुअली वर्क कैसे करता है, किस तरीके से आपको दिखेगा, एक एक चीज़ को मैं आपको दिखा दूँ। ये आपने ऑलरेडी देख रखा है एल्युमिनियम फॉर्मर के ऊपर यहाँ पे वाइंडिंग की हुई है, ये इसके स्प्रिंग है, ये इसके पॉइंटर हैं, ये पोल हैं, ये इसके कोर हैं। अब इसको एडजस्ट करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से ये काम कर रहा है। देखिए अब यहाँ पे फ्लेमिंग लॉ लगता है, जैसे ही यहाँ से करंट जाएगा, आपको मैं दिखा दूँ यहाँ से जैसे ही करंट जाएगा उसी के अरेंजमेंट के थ्रू, यहाँ करंट जाएगा और यह पोल है तो उसी के थ्रू यहाँ पे पॉइंटर में डिफ्लेक्शन आ जाएगा। आप इसको अच्छे से देखिएगा, अब ये मूवमेंट होगा, यहाँ पे करंट का डायरेक्शन दिखाया जाएगा, ये स्विच को ऑन किया गया। अब जैसे ही स्विच ऑन होगा, अब देखिए यहाँ से करंट रिलीज, ये देखिए करंट जा रहा है, अब ये होगा क्या, जैसे ही करंट गया और ये NS हमेशा पहले से ही फ्लक्स चल रहा था और करंट गया तो ये वाइंडिंग एनर्जाइज हुआ, अब इसमें क्या आ रहा है, मोशन आ रहा है, ये देखिए मूव करना शुरू कर। ओके गाइज, तो आई होप आप इस चीज को बहुत अच्छे से समझ लिया होगा आपने। चलिए बोर्ड पे इसको हम अच्छे से समझेंगे। ओके, तो आपने देखा कि वर्किंग किस तरीके से हो रहा है, उस वर्किंग को आप बहुत अच्छे से आई होप थ्योरेटिकली एनिमेशन रियल टाइम एनिमेशन के थ्रू आपने हर चीज़ को बहुत अच्छे से देखा होगा, प्रैक्टिकली फीलिंग आती होगी। तो मैं यही कोशिश करता हूँ कि ये चीज़ें आपके लिए हो जाए। चलिए हम देखते हैं कुछ और पीएमएमसी के अंदर क्या करना है। देखिए इसमें नेक्स्ट क्या क्या करूँगा मैं इसी में आगे, पीएमएमसी क्यों डीसी पे ही काम करता है, एसी पे क्यों नहीं करता, टॉर्क इक्वेशंस क्या होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, एडवांटेज ड्रॉबैक्स क्या है, रेंज एक्सटेंशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, प्लस 100 एमसीक्यू प्लस करेंगे इसके अंदर ताकि पीएमएमसी से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस आपके नहीं बचे। टॉपिक वाइज कंक्लूजन कर देता हूं, तो ये आज का पूरा समरी है। चलिए और बात करते हैं मॉडर्न एजुकेशन क्या कहता है, आप मॉडर्न एजुकेशन में क्या क्या हासिल करना चाहिए। सिर्फ थ्योरी से आपका इंटरेक्शन नहीं बनता, रुझान जो है तो नहीं होता। आज के डेट में बच्चे टीचर आप थ्योरी के क्लासेस में कितने भी मेहनत किए जा रहे हैं और बच्चे उतने इंटरेस्ट नहीं लेते हैं,
टीचर 10-10 घंटा मेहनत कर लेता है, स्टूडेंट में वो फीलिंग ही नहीं आता, स्टूडेंट आराम से आधा घंटे में उस चीज को कवर कर देता है, टीचर 10 घंटे लगते हैं। तो आपको भी कैसे इंटरेक्टिव करना है, इस सेशन को बहुत बढ़िया से बनाना है, इस चीज के लिए मैं यहाँ पे ध्यान रहे हमेशा थ्योरी को फोकस तो करता ही हूँ, साथ के साथ विजुअलाइजेशन देता हूँ आपको रियल टाइम कि जिस टाइम जो बोला हूं वही चीजें वही इमेज आएंगे आपके सामने, वही विजुअलाइजेशन आएंगे। उसके बाद विजुअलाइजेशन आने के बाद भी उसके प्रॉपर एनिमेशन को एक्सप्लेन करता हूं, तो रियल टाइम अचीव करने में, हर चीज प्रॉपरली करने में काफी टाइम लगता है, इसीलिए मेरे वीडियोस थोड़े लेट आ पाते हैं। फिजिकल इक्विपमेंट्स का यूज करता हूं एक क्लास के अंदर, अगर मशीन पढ़ाता हूं तो ट्रांसफार्मर, अभी मोटर आएगा, तो जिस तरीके के अरेंजमेंट होते हैं फिजिकल इक्विपमेंट्स का यूज करता हूं ताकि आपके दिमाग में हर चीज छप जाए। अभी पीएमसी पढ़ा रहा था तो ये देखिए इस टाइप का इंस्ट्रूमेंट का यूज कर रहा हूं, और भी कई इक्विपमेंट्स लाऊंगा, तो ये फिजिकल क्लासिंग इससे इंटरेस्टिंग बनने लगती है, चीजें आपके दिमाग में डायरेक्ट छपता है, कभी भूलते नहीं हो। तो फिजिकल इक्विपमेंट्स का हम यूज करते हैं, यानी मैं ये दिखा रहा हूँ कि इस सेशन के दौरान मैं क्या क्या करता हूँ जो किसी भी और क्वालिटी से कितना बेहतर है। एनिमेशंस का यूज करता हूँ, रियल टाइम एनिमेशंस का यूज करता हूँ, इमेजेस का यूज करता हूँ, ऐसा नहीं बोल इंडिया रहा हूँ, रीवा नदी बोल रहा हूँ और वहाँ पे बंगाल की खाड़ी दिख रहा है, ठीक है ना, प्रॉपर रियल टाइम का इमेजेस यूज करता हूँ। नो टाइम कंजप्शन, आपको लिखने में गीता ने सीता को 5 आम दिए, ये लिखने में मैं टाइम कभी भी कंज्यूम नहीं करता, आपका वो टाइम बहुत सेव करता हूं। तो टाइम इस आपको लगता है ये वाकई आधे घंटे का वीडियो, पर ये वीडियो आपके 2 घंटे के ऑफलाइन क्लास से भी बहुत कहीं ज्यादा होता है। चलिए क्वेश्चंस प्रैक्टिस, साथ में क्वेश्चंस के भी लगातार प्रैक्टिस कराता हूं, और विथ लिंक्ड ऑल सब्जेक्ट्स और टॉपिक, जो जितने भी टॉपिक्स होते हैं, क्योंकि मैं ही करा रहा हूँ मशीन मेजरमेंट पावर सिस्टम, ध्यान रहे इलेक्ट्रिकल को भी फोकस कर रहा हूँ, मैं किसी और ब्रांच पे जा ही नहीं रहा बिल्कुल भी, और ना ही किसी को इंटरेक्ट करने दे रहा हूँ, अभी फिलहाल इलेक्ट्रिकल को फोकस करता हूँ। और मैं बोल रहा हूँ कि जैसे कौन से टॉपिक कब पढ़ा है, किससे लिंक करना है, मशीन को जैसे मैग्नेटिक सर्किट, सर्किट थ्योरी पढ़ा है, और यहाँ पे आपका वही चीज़ मशीन के अंदर मैग्नेटिक सर्किट को बहुत अच्छे से करा है, वो मैग्नेटिक सर्किट आपको हर जगह काम आता है, तो लिंक करना, क्योंकि मैं सब सब्जेक्ट को पढ़ाता हूँ, मुझे पता है किस चीज़ को की नीड कहाँ पे है। वेव कैलकुलेशन जैसे मैंने लास्ट में कराया, तो आप मेजरमेंट में नहीं भी करोगे तो काम चल जाएगा, क्योंकि वहां पे हमने लिंक कर दिया है, होगा तो इसमें भी करा दूंगा, या इस वीडियो को यहां पे प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा। तो चीजें इस तरीके से लिंक क्यों होती है, किस चीज को कहां क्या बोला गया था, तो ये लिंक करके चीजें बहुत अच्छे समझ आती है। नेक्स्ट एक इंटरेक्टिव सेशन भी मैं लाने की कोशिश कर रहा हूं, आई होप कि 1 जून के बाद मैं इंटरेक्टिव सेशन लाऊंगा, इस तरीके से कि आप पढ़ लिया छोड़ दिया नहीं, मैं खुद आपको लोड दूंगा कि आप इस काम को करिए, अगर उस काम को करते हैं तो आपको बकायदा प्राइज मिलेंगे, और प्राइज मिलने के साथ साथ आपके फोटो, अगर आप इस एरिया में हैं मैं कॉल कर लूंगा तो मैं आपको बकायदा इस प्लेटफॉर्म पर बुलाऊंगा, और अगर आप दूर दराज के इलाके में हैं तो आपके फोटो और विथ आपके डिटेल्स आपको यहाँ पे दिखाया जाएगा। तो समझिए कितने बड़े प्लेटफॉर्म पे आपको लोग देखते हैं, तो ये एक इनकरेजमेंट होना चाहिए, मैं ये कहता हूँ कि आपके में अंदर मतलब जोश आना चाहिए, कहते हैं ना कर हर मैदान फतेह, तो वैसी एनर्जी आना चाहिए, ऐसा नहीं कि बस कहीं सोए हुए बेड पे और आराम से आधा घंटा वीडियो देखे काम खत्म, तो वो चीज़ें नहीं, एकदम इंटरेक्टिव आपको भी लेना पड़ेगा, आपको भी मेहनत करना पड़ेगा उसी रफ्तार से, नॉलेज कभी जाया नहीं जाता है, ये दिमाग में रख लेना, नॉलेज आपके पास है तो दुनिया के किसी कोने में आप खड़े होके बोल सकते हो, नॉलेज नहीं है प्रॉपर जिंदगी में कहीं खड़े नहीं होने लायक हो सकते हो, ठीक है ना। तो हार्डवर्क इंसान कब तक करेगा, हार्डवर्क तभी है जब आप नॉलेज बहुत अच्छे रखे हो, तो आपको बहुत बेनिफिट देगा, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रहे। उसके बाद इंटरेक्टिव सेशन होंगे तो ये आपको बेनिफिट, तो इसीलिए थ्योरी क्लास पे हमने सिर्फ फोकस कभी नहीं दिया, मुझे मेरे वीडियो में इसीलिए टाइम लगता है, मैं सिर्फ थ्योरी के साथ साथ इतनी चीज़ों को फोकस करता हूँ, और आज का डिमांड कहता है, ये दिमाग में रहे, आज का एजुकेशन सिस्टम कहता है कि अब थ्योरी पैटर्न पे मत जाइए, अब बच्चे को सीखना है बहुत कुछ, तो आपको बहुत सारे सेशन को एक साथ एक वीडियो के अंदर बहुत सारे इंटर चीजों को लिंक करना पड़ेगा, ताकि बच्चे का नजर ना हटे वीडियो से, है ना, नहीं तो उसी क्लास में बच्चे ऐसे ऐसे नाम लेके आ जाते हैं, सन्नी लियोनी, सन्नी देवल, तो कोई राखी सावंत, ऐसे ऐसे नाम करके बच्चे आते हैं जो इंटरेस्ट नहीं लगाते और सब्जेक्ट को यूं ही जाया करते हैं, ठीक है ना। तो 1 जून 2020 से इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म के ऐप पे प्रॉपरली आपको देखने को मिल जाएगा। तो यही था, आगे क्लास हम फिर कंटिन्यू करते हैं, ये हमारा टॉपिक होगा। ओके गाइस, गुड लक, हैव अ नाइस डे।